नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। एक न्यूज चैनल के पत्रकार मुकेश सिंह तोमर निवासी ग्राम गड़िया तहसील पोरसा सुप्रीम पावर न्यूज चैनल में पोरसा में संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। एटवारी शासकीय प्राथमिक विद्यालय में जब वह न्यूज चैनल के लिए खबर बना रहे थे, उसी समय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी स्कूल आए। उस समय पदस्थ प्राचार्य ओम प्रकाश जाटव शिक्षक मनवीर तोमर अपनी ड्यूटी से नजारत थे। जब पत्रकार मुकेश सिंह तोमर ने लाइव वीडियो फेसबुक पर चलाया तो उससे बौखलाकर प्राचार्य ओम प्रकाश जाटव ने पत्रकार मुकेश सिंह तोमर को धमकी दे डाली कि आपने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है उसको हटा दो, यदि आप नहीं हटाओगे तो आपके खिलाफ हम हरिजन एक्ट एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराएंगे। पत्रकार मुकेश सिंह तोमर ने सोशल मीडिया से वीडियो नहीं हटाया और उन्होंने शिक्षक अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की। उससे बौखलाकर प्राचार्य ओम प्रकाश जाटव ने पत्रकार मुकेश सिंह तोमर पर पोरसा थाने में झूठी FIR 28 सितंबर को दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने हरिजन एक्ट शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया। तब फरियादी के पिता श्यामवीर सिंह तोमर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया से प्रार्थी के पिता ने गुहार लगाई कि मेरे लड़के को टीचरों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक झूठे मामले फंसाया गया है। तब एडिशनल SP ने जाँच के आश्वासन लेकर न्याय करने का वायदा किया है। देखिए क्या है पूरा मामला मुरैना से हमारे संवाददाता बंटी चौधरी की खबर में। अरे काहे की नहीं भाई छुट्टी, छुट्टी में बच्चा निकल चुके। रोटी खा, आप मनवीर मास्टर कहाँ है? मनवीर छुट्टी पर है, छुट्टी पे। अब यहाँ लाए के गए मनवीर मास्टर, हम कह रहे मनवीर छुट्टी पर है। अरे भैया से दादागिरी थोड़ी तुम्हारी चलेगी ऐसे। आप कल इसको क्यों फोड़ गए हो? किसको? इधर आओ, इसको फोड़ के गए हो। किसको? सरकारी बिल्डिंग की क्यों तोड़ी आपने? किसने? इसने आपने तोड़ी। कौन कह रहा है? सभी बच्चे बता रहे हैं। श्याम सिंह तोमर गड़िया पोरसा डिस्ट्रिक्ट मुरैना। दादा आपके बच्चे के ऊपर क्या मामला दर्ज हुआ पोरसा थाने में, जिसको लेकर आप आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुरैना से मिले? श्रीमान जी, हमारे बच्चे के लिए 28 तारीख को झूठी FIR दर्ज कराई गई है थाने में, क्योंकि वो था हमारा बच्चा था पत्रकार, तो वो स्कूल में सूचना मिलने पर स्कूल पे गया देखने के लिए, तो 12:30 तक जब कोई भी अध्यापक नहीं मास्टर आया, तो उसके बाद वो आए तो वहाँ का वीडियो वगैरह उसने अपने मोबाइल से सब बनाया। उसके बनाने पे न पाए गए दादियों से ऊपर उसको व्हाट्सअप कर दिया अधिकारियों को, और करने के बाद फिर 29 तारीख को वो 3:00 गया, तो 29 तारीख को जब 3:00 गया तो वहाँ पर क्यों आया, तू क्यों यहाँ पे व्हाट्सअप कर रहा है, क्यों बकवास कर रहा है, और अगर तूने अगर ये व्हाट्सअप बनाया और तूने कल व्हाट्सअप भी बना करके ऊपर डाला है, मेरे अधिकारियों को शिकायत ऊपर शिकायत की है, अगर अगर ऐसा करता है तो उसको हटा ले, और नहीं अन्यथा अभी हम मनवीर को बुला करके। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये वार्तालाप दिन में 29 तारीख को 3:00 हुई, उसके बाद 29 ही तारीख को 7:00 इसने हमारे रिश्तेदार और रिलेशन वाले भजपुरा सतेंद्र सिंह और मुल्लू सिंह तोमर वगैरह के यहाँ बुलाया। शनिवार दिया तो नहीं आते हैं, लोकल के मास्टर हैं, तो 27 तारीख को 1:00 तक लगभग कोई टीचर नहीं गया था स्कूल में, तो मैं स्कूल में गया, मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, टीचर अभी तक आए नहीं, तो मैंने वीडियो बनाया तो लाइव चला दिया, तो वो मालूम पड़ गया मास्टरों को, स्कूल बच्चों ने भी बोल दिया कि ऐसे ऐसे वो वीडियो बना लिया है, तो ये शाम को आए हमारे यहाँ पे, बोले कि वीडियो डिलीट मार दो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ क्राइम ही करवा दूंगा, तो मैंने कहा जो आपको करना है वो करवा दो, तो इन्होंने धमकाया, मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया, तो दूसरे दिन 28 तारीख को मैं BRC साहब के पास गया, हमने कि सर ऐसी ऐसी बातें आपके मास्टर पढ़ाने नहीं आते, मैंने वीडियो बनाया तो हमको धमकी मिल रही है कि FIR करवा दूंगा, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल दूंगा मेरी बात हुई है, मैंने मालूम किया था कि उस दिन थे नहीं वो, किसी को मीटिंग में बता दिया, किसी को वैक्सीनेशन में बता दिया, तो मैंने बोला हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी नहीं था, तो BRC साहब ने कहा वो आपकी बार देख लेंगे, आपकी बार अगर ऐसा नहीं होगा पढ़ाने नहीं आएंगे तो मैं कायम ही उन पे खिलाफ कार्रवाई करवा दूंगा, मैंने कहा ठीक है। 28 तारीख को मैंने देखा कि दोबारा से 3:00 छुट्टी कर दी इन्होंने, तो मैं दोबारा 28 तारीख को गया स्कूल में, तो मैंने देखा कि बच्चे निकल चुके थे, मास्टर भी घर जाने को थे, बाइक के पास खड़े थे बाइक ले जाने वाले, मैंने बोला मास्टर साहब अपनी छुट्टी हो गई, बोले हाँ छुट्टी हो गई, जैसे इन्होंने फिर मोबाइल देखा कि वीडियो बना रहे हैं तो ये घबराते हुए आग बबूला होते हुए बोले हमसे कि बोले कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम क्यों आ जाते हो स्कूल में, ये कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ कायम करवा दूंगा, हरिजन एक्ट लगवा दूंगा, दारू के लिए पैसे
इन्होंने बहुत हमको धमकाने की कोशिश की। मैंने कहा सर बोलते रहो आपको, लेकिन हमने कहा ये अच्छा नहीं है, सच्चा को आप हमने की जब मर्जी आती छुट्टी करके चले जाते हो। तो इन्होंने मतलब फिर मेरे को भटपुरा में बुलवाया हमारे रिलेशन वालों के यहाँ पे शाम को 7 बजे 28 तारीख को, बोले कि वीडियो डिलीट मरवा दो नहीं तो मैं इनके खिलाफ ट्रेनिंग करवाने जा रहा हूँ। तो मैंने वीडियो डिलीट करने से मना कर दिया, मैंने कहा आपको जो कुछ भी करना है कर दो जाके। इन्होंने हमारे खिलाफ में कायमी करवा दी जाके थाने में, जबकि कायमी होने से पहले DI साहब को ये भी सोचना चाहिए कि मतलब जांच होनी चाहिए कि पूछ पर कुछ उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कुछ नहीं किया, डायरेक्ट हमारे ऊपर FIR करवा दी, हमको फंसाने की कोशिश की गई।